चरित्र गवाया तो सब कुछ गवाया, तो वही सब कुछ हम लोग गवा चुके हैं। दिक्कत ये है। ओके, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ आर ब्रैट इन एक्शन। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं बस अभी सो के उठा ही हूँ और इसलिए मेरी शक्ल ऐसी लग रही है। और मैं आ गया हूँ छत पे और मेरे साथ ऑस्कर भी आया है कि वो अभी सो ही रहा है, ये देखिए। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर में और चलिए मैं आपको मम्मी से भी मिलाता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी क्या बनाया आपने? रोटी सब्जी बनाया। अच्छा, और चाय बनाया आपने? चाय पी लिया? हाँ, चाय पी लिया। और तू क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो गाइस, मैं फर्स्ट टाइम आपको अपनी मॉम से मिलवा रहा हूँ और ये मेरी प्यारी सी मॉम है। और मम्मी अपने बारे में बताइए, कुछ बताओ कुछ लोगों को। मम्मी बताओ कुछ अपने बारे में। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? आप बता दो ना कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है। मुझे तो सबसे ये बेटा पसंद है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं पसंद हूँ आपको? हाँ, और कुछ काम धाम तो करता है। तो कितनी बार देख लेते हो दिन में? जितने बार मन करता है उतने बार देख लेते हो। क्या बनाया आपने खाने में? ये तो आलू की सब्जी लग रही है। मम्मी क्या बनाया आपने खाने में? पराठा बनाया और आलू टमाटर की सब्जी। मम्मी क्या बनाया है सब्जी? आलू की सब्जी बनाया है और कढ़ाई में तेल गरम किया, जीरा डाला, पचफोड़ना डाला और सूखी मिर्ची, टमाटर और जो मसाले हम घर में यूज करते हैं वही डालते हैं, फिर नमक डालते हैं। कौन कौन से मसाले डाले हैं हमने? आलू, जीरा पाउडर डाला मैंने, हल्दी पाउडर डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है। जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें गरम मसाला जरूरी। सो गाइस, अभी मैं ले रहा हूँ अपना कोलेजन सप्लीमेंट और ये लेने से स्किन में एक अलग सी शाइन आ जाती है। मेरा रोज़ का मॉर्निंग रूटीन ही है, मैं कोलेजन सप्लीमेंट लेता ही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट से पहले या कभी भी ले सकते हो। बस यूज़ करना है एक स्पून ऑफ कोलेजन और इसको नॉर्मल पानी में मिलाइए और मैं पी लेता हूँ उसको और मिलता हूँ आपको तैयार होके। तो गाइस चलिए, मैं हो चुका हूँ रेडी और मैंने अपने शूज़ वगैरह सब पहन लिए हैं। और जो मम्मी ने जो सब्ज़ी बनाई थी ना आलू की, बहुत टेस्टी थी, मैंने खाया और मम्मी ने भी खा लिया। और बस मैं भी निकल रहा हूँ और जब मैं निकल रहा था तभी मम्मी ने मुझे कुछ पूजा का जो होता है ना वो सब फूल वगैरह वो सब मुझे दिया है। वो मुझे बोला है कि गंगा जी में डाल देना, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ पूजा का फूल और वो जो पत्ते वगैरह हैं वो सिर्फ मैं डालूँगा और बाकी का जो भी सामान है वापस बैग में रखूँगा। और अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश और आइए आप भी चलिए मेरे साथ। और मैं आपको आज लेके चलता हूँ इस्कॉन टेम्पल जो ऋषिकेश में ही है एंड राधा कृष्णा मंदिर है जो जानकी सेतु के बिल्कुल पास में, और मंदिर जो है बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और आइए चलते हैं। तो गाइस, मैं अभी जा रहा था और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिल गए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो, हमारी कॉलोनी के रहने वाले। हाय, और मुझे नहीं पता था। आप लोग ऑस्कर को, ऑस्कर के साथ खेलते हो ना आप लोग? हाँ, हाँ, कैसा लगता है ऑस्कर? बहुत अच्छा, बहुत क्यूट बच्चा लगता है वो। क्यूट बच्चा लगता है? हाँ। अब मेरा चैनल देखते हो? हाँ। कैसा लगता है मेरा चैनल? बहुत अच्छा। मैं तो आपको रियल लाइफ में दे दूँ क्योंकि तो आप हमारे घर के बगल में ही रहते हो। चलो अपना अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है आरिश बड़ोनी और ये हम प्यार से बोलते हैं ब्रूसली। ब्रूसली, ब्रूसली है ये? हाँ। अपना नाम बता। निवेद्या, स्कूल का नाम निवेद्या और घर का नाम उमा। अभी कौन सी क्लास में? मैं वो फर्स्ट और मेरे स्कूल का नाम है वो सनवैली। तू बता छोटू लाल टोपी वाले। क्या नाम है तेरा? वेदन पवन स्कूल। अरे ये बुड्ढा हो गया, इसको कोई बीमारी हुई है, ये देखो डंडा में डंडा है इसके बालों में। चलो ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूं। ओके बाय बाय बाय, कल मिलना, हम आपके ब्लॉग देखने सुबह-सुबह आएंगे। ओके, इधर आओ। ओ कोई ना, बैठो बैठो
बैठ जाओ। कितना क्यूट हो, क्यूटी 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 क्यूटी, क्या नाम है तुलो? फुली ट्रेंड है ये, इसको शायद किसी का पेट है ये। कितना प्यारा है यार, मुझे सारे कुत्ते प्यारे लगते हैं। हेलो करो, हेलो हेलो करो। इसको ना ये मेरे से पहले भी मिला था एक बार, मैंने इसको बिस्किट और वो खिलाए थे, चिकन बोन, इसलिए मुझे पहचानता है ये। ये छोटे छोटे बच्चे थे ना, ये मेरी कॉलोनी के ही हैं बच्चे, और ये ना ऑस्कर के साथ खेलते हैं, और ये ना ये ऑस्कर की फ़ैन फॉलोइंग है, जो ये बच्चे ना मुझे आज रोक के बोल रहे थे। और ये ना ये झूठ मूठ का बोल रहे थे, मेरा कोई व्लॉग व्लॉग नहीं देखते ये, बस ऑस्कर को जानते हैं ना, तो इसलिए मुझे रोक के बोल रहे थे कि भैया ऑस्कर कहाँ पे है, ऑस्कर कहाँ पे है। तो इनको ऑस्कर के साथ खेलना, इनका ना इनको बड़ा मज़ा आता है, क्या करें यार, ऑस्कर है इतना क्यूट। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ना मेरे पास आज कैश नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं अभी ATM तो यहाँ पे है नहीं है बिल्कुल मेन रोड पे, तो मैं एक काम करूँगा, मैं गूगल पे करूँगा किसी दुकान वाले से पूछ के, और मैं उससे कैश ले लूँगा। मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड, और मुझे जो भी कैश चाहिए था वो मुझे मिल गया है मेडिकल शॉप से। वो जो भैया हैं मेडिकल शॉप वाले मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं ऑफिसर का सारा सामान वहीं से लेता हूँ। और तो बस के लिए तो मेरा जुगाड़ हो गया, बाकी मैं ATM जाके जितना मुझे चाहिए होगा उतना मैं निकलवा लूँगा। तो यार आज का मौसम भी है ना, ये बिल्कुल ना रोमांटिक सा हो रखा है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। देखो एक तो सुबह तो धूप निकली थी, उसके बाद अचानक से धूप चली गई, और अभी जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। फोन दीजिए ना आप फोन दीजिए ना, मैं कर देता हूँ। किसको करना है, संकेत को? पकड़ना, ऐसे पकड़ो, चलता है इसमें, बैलेंस है? हाँ बैलेंस है भैया। भूख लग रही सुबह से, ये लीजिए लग गया फोन। लो कर लो बात, भी आ रहा वाला लो, और तो मैं बात कर लो, बोलो। हेलो, रिंग हो रहा होगा, घंटी जा रही है। हाँ मैं मुकेश बोल रहा हूँ भाई। ठीक है अंकल, चलता हूँ, धन्यवाद। मैं तो फिलहाल जल्दी में था, बट मैंने देखा कि इनकी मजबूरी है, तो मैंने इनकी हेल्प कर दी। तो अगर आपको भी अगर ऐसे लोग मिलते हैं कभी, तो उनकी मदद कर देनी चाहिए यार, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं जाता, बट ऐसे लोगों की मदद करके ना काफ़ी अच्छा सा फील होता है, और उनकी भी बेचारों की मदद हो जाती है। लीजिए हम पहुंच चुके हैं मधुबन आश्रम, जो राम झूला से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये इस्कॉन टेंपल आश्रम के प्रीमिसेस में ही आता है। मंदिर का भव्य रूप देखने के लिए देश और विदेश दोनों से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग खुद इस्कॉन फॉलोअर होते हैं। यह मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे मुनि की रेती भी कहा जाता है। मंदिर से ही आपको सामने जानकी सेतु और दूर के पहाड़ भी दिख जाते हैं। मंदिर का प्रांगण भव्य होने के कारण मंदिर और आकर्षित बन जाता है। यह मंदिर बाहर से सफ़ेद पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया है। मंदिर खुलने का समय सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक है, और दोपहर में मंदिर के कक्ष बंद कर दिए जाते हैं। फिर ये शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलता है, जिसमें शाम की आरती होती है।
यह मंदिर के संस्थापक स्वामी भक्ति योग महाराज जी हैं, जो स्वयं स्कॉन के फॉलोअर हैं। यह मंदिर का गर्भगृह है। इसमें एक तरफ जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति स्थापित की गई है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी और राधा जी विराजमान हैं। चलिए आप भी मेरे साथ भगवान जी के पावन दर्शन लीजिए। मधुबन आश्रम में योगा क्लासेस, मेडिटेशन प्रोग्राम और सत्संग भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ मधुबन गेस्ट हाउस भी है, जहाँ गेस्ट के रुकने के लिए एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। गोविंदा रेस्टोरेंट भी इसके प्रेमिसेस में आता है, जहाँ आपको प्योर वेजिटेरियन खाना मिलेगा। हरिओम प्रभु जी, आप अपना नाम बताइए। राधा गोविंद दास। और प्रभु जी, इस मंदिर की पुरानी कहानी क्या है और इसके बारे में अगर आप कोई जानकारी देना चाहें तो कृपा करके हमारे व्यूअर्स को इसकी जानकारी दीजिए। पुरानी कहानी तो ये है कि ये ऋषिकेश जो है सदा से एक तीर्थ रहा है और यहाँ पे जो है सभी देवी देवता आते रहे हैं। ऋषि मुनियों का क्षेत्र रहा है ये। यहाँ पे राम जी अपने भाइयों के साथ में और गुरुदेव के साथ आए हुए हैं। राम जी का जो है आगे तपोवन में मंदिर है, उनके गुरु जी का भी मंदिर है, भाइयों का जैसे लक्ष्मण झूला के नाम से प्रसिद्ध है वहीं पर लक्ष्मण जी का भी मंदिर है, शत्रुघ्न जी का मंदिर है, भरत जी का मंदिर है। भरत जी का मंदिर में दो चीज़ें आती है, एक तो भरत जी हैं और साथ में जो ये ऋषिकेश के प्रेजाइडिंग डीटीज मतलब तीर्थ के मुख्य जो कहते हैं भगवान हैं वो हैं ऋषिकेश नारायण, वही भरत जी के रूप में जाने जाते हैं, भरत मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये मतलब ऋषिकेश का इतिहास है और ये मंदिर जो है इसका इतिहास कुछ इस तरह से है कि श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं
उन्होंने पूरे विश्व में हरे कृष्णा का प्रचार किया और अपने अंत समय में जब उनका स्वास्थ्य कुछ खराब रहने लगा था तब वो ऋषिकेश आए थे डॉक्टरों के सलाह से। डॉक्टरों ने उनको कहा था कि आप ऐसे किसी क्षेत्र में थोड़ा निवास करें, तो ऋषिकेश में रहते हुए उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि ये जो है एक प्रमुख स्थान है, हम मतलब सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का, तो यहाँ पे हमारा एक स्थान, एक सेंटर होना चाहिए। तो आगे चलकर उनके शिष्यों ने इस चीज़ के लिए प्रयास किया और फाइनली यहाँ पे भक्ति योग स्वामी महाराज 1986 में आए और उन्होंने यहाँ तपस्या पूर्वक धीरे धीरे हरे कृष्ण का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया और आज ये मधुबन आश्रम के रूप में यहाँ विराजमान है, स्थापित है। यहाँ पे पूरे विश्व से तीर्थयात्री, सीकर्स भगवान के संदेशों के विषय में जानने के लिए ऋषिकेश के सुंदर जो आध्यात्मिक माहौल है उसका लाभ उठाने के लिए आते रहते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा कार्यक्रम करते हैं जिसमें दैनिक कार्यक्रम सुबह 5 बजे से लेकर के मंगल आरती और भगवद गीता आदि का प्रवचन, जप आदि, ये सब कार्यक्रम होते हैं, भगवान की सेवा पूजा होती है। और उत्सव होते रहते हैं बहुत सारे, जिसमें प्रमुख उत्सव है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जगन्नाथ रथ यात्रा, गोवर्धन पूजा, राधा गोविंद जी नौका विहार, गौड़ पूर्णिमा, ये सारे उत्सव मनाए जाते हैं साल में प्रत्येक वर्ष। और यहाँ पे आने वाले यात्रियों के लिए मंदिर में सुंदर अतिथि गृह, गेस्ट हाउस और एक रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। सभी का यहाँ स्वागत है, सभी लोग यहाँ आते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। शुक्रिया आपका। प्रभु जी, आप मुझे बताइए कि आपका इस संस्थान के साथ और मंदिर के साथ क्या लगाव रहा है और आपकी अपनी जर्नी क्या रही है, आप वो भी हमें बताइए। और जो लोग अभी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या इन सब चीज़ों में आना चाहते हैं, भगवान के रास्ते पर आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए आपका क्या लेसन होगा? मेरा जहाँ तक है, मैं बिहार में एक छोटे से मतलब गांव से रहा हूँ और वहाँ मैं साधारण विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी आध्यात्मिक क्षेत्र से, तो मैं पुस्तकों के माध्यम से, उस समय तो मुख्य रूप से पुस्तक ही होते थे और कुछ कहीं कथा सत्संग मिल जाए, वो भी बिहार में कम होते थे, तो उससे मैं जुड़ा रहता था। तो एक तलाश थी एक अच्छे संस्थान की, एक गुरु की, तो उस खोज में जब मुझे लगा कि नहीं, जो मैं अपने लिए पाथ सोच रहा हूँ तो वो वहाँ रह कर के मैं पूरा नहीं कर सकता, तो मैं निकल पड़ा था ढूंढते हुए। और ढूंढते ढूंढते मैं हरिद्वार पहुँच गया और हरिद्वार से फिर ऋषिकेश आ गया। और ऋषिकेश में जो इस्कॉन है उस नाम से मैं परिचित था पहले से, क्योंकि मुझे प्रभुपाद की भगवद गीता मिली थी पटना में रहते हुए। तो यहाँ पे मैंने
मधुबन आश्रम का नाम तो पढ़ा ही, साथ में इसका जो ट्रस्ट है इस्कॉन न्यू वृंदावन ईस्ट, उसमें इस्कॉन जो वर्ड था वो चूँकि मैं जानता था, तो मैं अंदर आया और फिर महाराज जी से मेरे को परिचय हो गया और फिर मेरी ये यात्रा आगे चल पड़ी। तो आज के डेट में तो ये बहुत आसान है उस समय के वनस्पत, आज आप इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी कोई भी संस्थान किसी चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसी का एक प्रयास ये भी है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो कोई भी मधुबन आश्रम सर्च कर सकता है ऋषिकेश में और यहाँ तक पहुँच सकता है, बहुत कठिन नहीं है आज के युग में। और यहाँ पे आपको जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ आकर के आप भगवान के आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं, हरे कृष्णा से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे बात करके, हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप अगर इसमें, मैंने मंदिर के प्रांगण में ही एक छोटा सा बगीचा है जिसकी खूबसूरती अपने में ही अलौकिक है। इस बगीचे में श्री कृष्ण जी की प्यारी सी झांकी भी है और इस तालाब में आपको बहुत सी मछलियाँ भी मिल जाएंगी। इन मछलियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मछलियाँ भी श्री कृष्ण जी की भक्ति में विलीन हों। चलिए, आज अब लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपको नए वीडियो पे नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और हमारा परिवार और बढ़ता जाएगा। ये रही मेरी बस।